हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। जितने भी लोग बच्चा पैदा करना चाहते हैं, उनमें से लगभग 85% लोग एक साल के अंदर ऐसा करने में सफल हो जाते हैं और उनमें से लगभग 22% लोग तो पहले ही महीने के अंदर सफल हो जाते हैं। यदि एक साल तक प्रयास करने के बाद भी बच्चा ना पैदा हो पाए तो यह समस्या का विषय हो सकता है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जल्द गर्भवती होने के 15 उपाय क्या हैं, ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। और इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो का पहला पार्ट भी आप देखिएगा, जिसमें हमने बात की है कि ओवुलेशन साइकिल क्या होती है और इसके लक्षण क्या हैं। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। हर परिवार की चाहत होती है कि शादी के बाद उसके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गूंजे, लेकिन कई बार कुछ कारणों से महिला को गर्भधारण में दिक्कत आ जाती है। कई बार कुछ आदतों और कंडीशंस के चलते महिला चाहकर भी प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पाती और अवसाद में आ जाती है। अगर महिला गर्भधारण की कोशिश कर रही है और फिर भी गर्भधारण नहीं हो पाता तो कुछ आदतों और तरीकों में बदलाव करने से गर्भधारण किया जा सकता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 ऐसे तरीकों के बारे में जिसमें बदलाव करके आप गर्भधारण कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि गर्भधारण सही उम्र में करें। गर्भधारण के लिए डॉक्टर सही उम्र 18 से 28 साल के बीच बताते हैं। इस उम्र के बीच महिलाओं की शादी के बाद गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इस उम्र में फर्टिलाइजेशन ज्यादा होता है। 25 साल की महिला की तुलना में 35 साल की महिला को प्रेग्नेंट होने के 50% तक कम चांस होते हैं। इसलिए यह देखिए कि आपकी उम्र क्या है और अगर उम्र ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर से परामर्श लें। इसके बाद नंबर 2 पर है, पहली प्रेगनेंसी को अबॉर्ट ना करें। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए जरूरी है कि होने वाली माँ में फर्टिलिटी होना बहुत जरूरी है। पीरियड समय पर अगर होता है और फर्टिलाइजेशन भी समय पर हो रहा है तो इसके लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर से फर्टिलिटी जांच कराएं। अगर मात्रा कम आती है तो पहले ट्रीटमेंट कराएं और भूलकर भी अपनी पहली प्रेगनेंसी को खत्म ना करें। यह गलतियां अक्सर नवविवाहित कर डालते हैं और फिर उन्हें गर्भधारण के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं। दरअसल पहली प्रेगनेंसी ही आपके फर्टिलाइजेशन को समृद्ध करती है। पहली प्रेगनेंसी को ही अगर एबॉर्शन के जरिए खत्म करवा दिया जाता है तो बाद में काफी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर पीरियड्स नियमित करना है। जल्दी गर्भवती होने के लिए जरूरी है कि आपके पीरियड्स साइकिल बिल्कुल दुरुस्त हों, वो तयशुदा तारीख से पहले या कुछ दिन बाद ना आ रहे हों। अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इलाज करवाएं। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड्स का नियमित होना बहुत जरूरी है। नंबर 4 पर है, ओवुलेशन पीरियड पर नजर रखें। पीरियड से 2 हफ्ते पहले का समय महिला के ओवुलेशन का समय होता है। इस समय गर्भधारण का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टरों के अनुसार ओवुलेशन पीरियड में गर्भधारण के चांस 60-70% तक ज्यादा होते हैं। इस दौरान किए गए प्रयास के रिजल्ट में कंसीव करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। नंबर 5 पर आपका वजन आता है, वजन पर कंट्रोल करें। बढ़े हुए वजन के दौरान कंसीव करने में काफी परेशानी आती है। मोटापे के चलते लाखों महिलाएं मां बनने का सुख नहीं भोग पाती, क्योंकि ओवरवेट होने के चलते फिलोपियन ट्यूब और ओवरी बंद होने की आशंका बढ़ जाती है। मोटापे के चलते कई महिलाओं की बच्चेदानी में सिस्ट तक हो जाता है। इसलिए जल्दी कंसीव करने के लिए आप अपने वजन पर कंट्रोल रखें और अगर आप अपना वजन कम करना चाहती हैं तो हमारे फैट टू फिट सीरीज के वीडियो भी देख सकती हैं। इन वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद नंबर 6 पर है, सेहतमंद आहार। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए जरूरी है कि होने वाली माँ सेहतमंद आहार खाए और खान पान का पूरा ध्यान रखे। आयरन और कैल्शियम की कमी के चलते कंसीव होने के चांस खत्म होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रॉपर डाइट से जुड़ा मसला है। महिला को खुश रहना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। अगर आप सेहतमंद आहार खाती हैं तो प्रेगनेंसी के चांस 30% तक बढ़ जाते हैं। और कंसीव करने के लिए कैसा हो आपका डाइट प्लान या जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकती हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सेहतमंद आहार के बाद नंबर 7 पर है, कंसेप्शन मून। पति पत्नी हनीमून के साथ कंसेप्शन मून पर भी निकल सकते हैं। विदेशों में लोग गर्भधारण करने के लिए कंसेप्शन मून पर निकल जाते हैं। इस दौरान खुशनुमा माहौल में गर्भधारण के प्रयास होते हैं। इसके लिए विदेश में लोग छुट्टी लेते हैं। कंसेप्शन मून का पति पत्नी को काफी फायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ बिना किसी तनाव और परेशानी के बीच अच्छे और रिलैक्स माहौल के बीच गर्भधारण का प्रयास किया जाता है, जिसका रिजल्ट भी अच्छा ही निकलता है। इसके अलावा नंबर 8 पर है,
नशा करने की आदत। नशे को आप ना कहें, नए जमाने में लड़कियां भी सिगरेट और शराब पीती हैं, लेकिन यही आदत गर्भधारण में दिक्कत पैदा करती है। दरअसल सिगरेट और शराब का सेवन प्रजनन क्षमता को घटाता है और इसका सीधा असर ओव्यूलेशन पर पड़ता है। लगातार सिगरेट और शराब का सेवन करने से फर्टिलिटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप सिगरेट और शराब का सेवन करती हैं तो आपको इससे दूरी बनाए रखनी होगी। नंबर 9 पर है गर्भ निरोधकों का प्रयोग छोड़ दें। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं, तो उसके साल भर पहले गर्भ निरोधकों का प्रयोग ना करें। दरअसल कंट्रासेप्टिव का लगातार इस्तेमाल करने से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ता है और इससे लंबे समय तक कंसीव नहीं हो पाता। आप जब भी मां बनना चाहें तो सबसे पहले गर्भ निरोधकों को ना कहें और हफ्ते में 2-3 बार प्रणय संबंध बनाएं। नंबर 10 पर है लुब्रिकेंट्स को ना कहिए। अगर जल्द बच्चा चाहिए तो संबंध बनाते समय लुब्रिकेंट्स का प्रयोग भूल कर ना करें, खासकर मिनरल ऑयल वाले लुब्रिकेंट्स। ये लुब्रिकेंट्स स्पर्म को ओवरी तक नहीं जाने देते और ऐसे में कंसीव करने व गर्भ धारण करने की संभावना खत्म हो जाती है। संबंध बनाते समय महिलाओं के शरीर में पर्याप्त लिक्विड बनता है जो स्पर्म को ओवरी तक ले जाने में सहायक होता है और इससे गर्भ धारण की संभावना भी प्रबल होती है। इसलिए लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल न करना ही दंपत्ति के लिए अच्छा होगा। नंबर 11 पर है तनाव। तनाव को आप बाय बाय करें। आज के जमाने में तनाव प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तनाव और अवसाद के चलते गर्भ धारण की संभावना खत्म हो जाती है। इसलिए अगर कोई जल्द गर्भवती होना चाहता है तो सबसे पहले रिलैक्स रहे और तनाव को अपने से दूर कर दे। अगर नौकरी पेशा है तो दफ्तर से छुट्टी ले, कहीं घूमने जाएं, पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अच्छा और हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें। नियमित तौर पर व्यायाम करने से भी तनाव कम होता है और तनाव कम करने के लिए आप योग और ध्यान का भी सहारा ले सकती हैं। योग और ध्यान कैसे करें इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकती हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। नंबर 12 पर है सेक्स पोजीशन का ख्याल रखें। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि प्रेग्नेंट होने से सेक्स पोजीशन का कुछ लेना देना होता है, लेकिन इसके पीछे सिद्धांत यह है कि सेक्स करते समय ऐसी पोजीशन अपनाई जाए जिससे अंडे और शुक्राणु का मिलन कम से कम समय में हो सके। औरत का एक अंडा मुश्किल से 24 घंटों तक जिंदा रहता है, जबकि शुक्राणु महिला के शरीर में 5-7 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए यह जरूरी है कि शुक्राणु और अंडे आपस में मिलने के वक्त जिंदा रहें। इसलिए सेक्स पोजीशन का ख्याल रखना उन जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है जिन्हें प्रेग्नेंट होने की समस्या है। जरूरी है कि उन तरीकों को अवॉइड किया जाए जिनसे शुक्राणु और अंडे का मिलन मुश्किल हो जाता है, जैसे कि खड़े होकर, फिर वुमेन ऑन टॉप पोजीशन या बैठकर सेक्स करने पर सबसे कम प्रेग्नेंट होने के चांस होते हैं। इसके बाद नंबर 13 पर है कि आप अपनी मेडिकल जांच कराएं। बच्चे की प्लानिंग करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और अपनी जांच कराना चाहिए। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कोई शारीरिक परेशानी या कोई संक्रमण यानी इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। इससे STD या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावना को भी खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर डिंब ग्रंथि अल्सर, पाइब्रॉइड, इनरेगुलर पीरियड की समस्या, PCOD, गर्भाशय के स्तर की सूजन, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, खून की कमी जैसे परेशानियों की भी जांच हो पाएगी। और इन सभी बीमारियों से जुड़े वीडियोस हमने पहले भी बना रखे हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को देख सकती हैं। आप फीमेल प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट में भी इन वीडियोस को देख सकती हैं। यदि 2 साल के सामान्य यौन संबंधों के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो आपको डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए। इसके बाद नंबर 14 पर है नियमित व्यायाम करें। अगर आपको कोई मेडिकल दिक्कत ना भी हो तो 40 मिनट का व्यायाम अवश्य करें। व्यायाम ऐसा हो जिससे आपके दिल की धड़कन 140 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो। सिर्फ घर का काम करना और स्वयं को व्यस्त रखना ही काफी नहीं होता। और अंतिम और 15वां उपाय है एबॉर्शन के बाद थोड़ा इंतजार करें। रूबेला इन्फेक्शन या किसी कारणवश अगर आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई है तो पुनः प्रेगनेंसी के लिए जल्दबाजी न करें और कम से कम 9-12 महीनों का गैप दें। स्वयं पर कंसीव करने का दबाव हावी न होने दें और कंसीव करने से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। तो ये थे हमारे 15 उपाय जो हमें उम्मीद है कि आपकी गर्भ धारण की संभावनाओं को प्रबल करेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सब उपायों को आजमाने के बाद भी गर्भ धारण में कुछ वक्त लग सकता है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और वीडियो के अगले पार्ट में आप जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान व्यायाम करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। और इस वीडियो से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं और प्रश्नों का इंतजार रहेगा, कमेंट कीजिएगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी से शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।